दोस्तों, मखाना जिसे हम अपनी आम भाषा में लावा कहते हैं और मखाने का इस्तेमाल बेहतरीन पकवान जैसे कि खीर, हलवा और कई प्रकार की सब्जियों में किया जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये कैसे बनते हैं और मखाने खाने के कितने फायदे हैं, मखाने की खेती कैसे की जाती है, ये सब कुछ आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि मखाने की खेती किसी आलू, मूली, गाजर या बादाम की तरह जमीन में नहीं की जाती है, बल्कि इन्हें गहरे पानी के तालाब में उगाया जाता है। भारत में इनकी पैदावार अगर सबसे ज्यादा कहीं होती है तो वो है बिहार राज्य के दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधुबनी और सुपौल जैसे जिले, जहाँ से लगभग 90% मखाने की पूर्ति होती है। दोस्तों, मखाने को अंग्रेजी में फॉक्स नट्स या लोटस सीड्स कहते हैं और ये कमल की तरह दिख रहे यूरियल फेरॉक्स नाम के पौधे का बीज है जो दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। हम मखाने को शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, फाइबर और कैल्शियम पाए जाते हैं। मखाना वेट लॉस के लिए भी अच्छा विकल्प होता है। मखाने की खेती करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इन्हें 2 से 3 फीट गहरे तालाब में उगाया जाता है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर और नवंबर महीनों में इन तालाबों से अन उपयोगी चीजें जैसे कि जलकुंभी, खरपतवार को बाहर निकालकर तालाब को साफ कर लिया जाता है और फिर दिसंबर से जनवरी महीने तक कुछ इस प्रकार से मखाने की बीज की बुआई की जाती है। मखाने के बीज कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। मखाना बुआई के कुछ दिन बाद जनवरी से फरवरी माह तक इनके बीज अंकुरित होकर कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे पत्तों में बदल जाते हैं और ये पत्ते अप्रैल से मई महीने तक पूरे तालाब को अपनी आहोश में ले लेते हैं। पत्तों के साथ साथ इनकी जड़ें भी काफी घनी और मजबूत होती हैं। ये भी पानी के भीतर जड़ों का जंजाल बना लेती हैं। अप्रैल महीने के अंत और मई महीने के शुरुआत दिनों में इनके प्यारे प्यारे फूल कुछ इस प्रकार से खिलने लगते हैं और 2 से 3 दिन बाद ये फूल पूरी तरह खिलकर तैयार हो जाते हैं। ये दिखने में काफी आकर्षक लगते हैं। मई महीना बीतते बीतते इनमें फल भी आने लगते हैं। मखाने के एक फल में कई सारे बीज होते हैं जो कि आगे चल के सफेद लावा बनेंगे। जून महीना आते आते इन मखानों के फलों से सारे बीज टूटकर तालाब में कुछ इस प्रकार से तैरने लगते हैं। अभी ये बीज गुलाबी रंग के दिखते हैं क्योंकि इनके ऊपर हल्का गुलाबी कवर होता है। कुछ टाइम बाद लगातार पानी में रहने से इनके ऊपर के कवर निकल जाते हैं और ये काले बीज पानी की तलहटी में जाकर बैठ जाते हैं। मखाने के बीज पूरी तरह तैयार हो चुके हैं। अब बारी आती है इनको पानी से बाहर निकालने की, लेकिन उससे पहले इनमें से मखाने के पत्ते को बाहर निकाला जाता है। जुलाई से अगस्त महीने तक लगातार पानी में रहने से इनके पत्ते भी गल जाते हैं, जिसे वहाँ के किसानों द्वारा बाहर निकाल कर तालाब को साफ कर लिया जाता है। फिर ये किसान इस लकड़ी की जाल नुमा टोकरी, जिसे वहाँ की आम भाषा में गांज कहते हैं, इसी से तालाब से काफी मेहनतों के बाद बीज को भी बाहर निकालते हैं। 2 से 2.5 फीट गहरे पानी से मखाने के बीज को बाहर निकालना काफी मेहनत और मुश्किल भरा काम होता है और जब सारे बीज बाहर निकल जाते हैं तो इनको पैरों से कुचला जाता है, जिससे इनके ऊपर की सेल थोड़ी क्रैक हो जाए। फिर इन्हें पानी में अच्छी तरह धोकर बोरियों में भर के किसी धूप वाली जगह में ले जाकर कुछ समय के लिए धूप में सुखाया जाता है और फिर अलग अलग आकार के बीजों को इन खास किस्म की छन्नी से छानकर अलग कर लिया जाता है। इसके बाद इन्हें कुछ दिनों तक धूप में सुखाया जाता है, जिससे ये काले और हल्के भूरे रंग में बदल जाते हैं। फिर इन्हें 2 चरणों में भुना जाता है। पहले चरण में इन्हें मिट्टी के बने मटकों में हल्के हल्के आंच पर भून के टोकरी में लगभग 72 घंटे तक छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से बीज के आउटर शेल अंदर के लावे को छोड़ देते हैं और दूसरे चरण में इन्हें 4 कढ़ाई में भूना जाता है। पहले कढ़ाई में भूनकर दूसरी और फिर तीसरी और फिर चौथी कढ़ाई तक भूना जाता है। अंत में जब ये पूरी तरह लावा बनने योग्य हो जाते हैं तो एक आदमी इन लकड़ी के बने हैमर से इन बीजों को तोड़ता है, जिससे गरम गरम लावा बाहर बिखर जाते हैं और फिर थोड़ा और सफेदी देने के लिए इस मशीन से गुजारा जाता है। तो अब आपका पसंदीदा लावा पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। मार्केट तक पहुंचाने के लिए अब इसे बोरियों में भरकर आगे भेज दिया जाता है। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।